एक लड़की घर से तालाब से कुछ मिट्टी निकालने के लिए जाती है, तो तालाब में थोड़ा थोड़ा अभी पानी था, तो वह मिट्टी को पानी के अंदर घुस करके निकालने लगती है अपनी परात में। तभी क्या होता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर जोंक चिपक जाती है, और जैसे ही जोंक चिपकती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उस जोंक को छुड़ाने लगती है। तभी तालाब के किनारे पर एक युवक घूम रहा था, वह भाग करके उसके पास आता है और उसकी जोंक को छुड़ा देता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर एक इंसान की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर क्या होता है, एक खुशबू नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 21 साल। उसको उसके घर वाले तालाब से माटी लेने के लिए भेजते हैं, तो वह अपने घर से परात उठाती है और माटी लेने के लिए तालाब के पास चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि जो चिकनी मिट्टी है वह बाहर नहीं है, वह पानी के अंदर है। तो वह पानी के अंदर घुस जाती है और चिकनी मिट्टी को निकाल करके अपनी परात में रखने लगती है। तभी क्या होता है, उसको प्राइवेट पार्ट पर खुजली होती है, तो वह एकदम से देखती है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर जोंक चिपकी हुई थी। वह जोंक को देखकर जोर जोर से डर जाती है और घबराने लगती है, उस जोंक को छुड़ाने का प्रयास करने लगती है, लेकिन जोंक ऐसे ही नहीं छूटती है। तभी वहाँ पर तालाब के किनारे पर एक लड़का जिसका नाम होता है सुरेश, जिसकी उम्र होती है 24 साल, वह घूम रहा था। तभी वह उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है, तो उस लड़की के पास भाग कर जाता है और जाकर वह देखता है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट पर जोंक चिपकी हुई है और वह उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन छूट नहीं रही है। तभी क्या होता है, वह लड़का उसके प्राइवेट पार्ट से जोंक को छुड़ाने लगता है और थोड़ी ही मशक्क़त के बाद वह लड़का उस प्राइवेट पार्ट से जोंक को छुड़ा देता है। तभी वह लड़की कहती है कि अच्छा हुआ तुमने जोंक को छुड़ा दिया। दोस्तों तब वह लड़का कहता है कि मैं क्यों नहीं छुड़ाता, आखिर तुमसे प्यार जो करता हूँ, छुप छुप के तुम्हें देखा करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो दोस्तों वह लड़की कहती है कि प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की। तभी वह लड़का कहता है कि चलो मेरे साथ चलो थोड़ी देर के लिए। तो वह लड़का उस लड़की को अपने साथ वहीं तालाब के किनारे पर एक ईख का खेत था, यानी कि गन्ने का खेत था, गन्ने के खेत में उस लड़की को ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। दोस्तों वह संबंध बना रहा होता है, तभी क्या होता है, उस खुशबू के घर पर जो उसका भाई होता है वह चिंतित होता है कि खुशबू बहुत देर की तालाब पर गई है लेकिन अभी तक मिट्टी निकालकर लाई क्यों नहीं है। तो वह उसको देखने के लिए तालाब की ओर चलने लगता है और तालाब पर जाकर देखता है कि खुशबू का जो तसला था, परात थी, वह वहीं पर पड़ी हुई थी लेकिन खुशबू वहाँ पर नहीं थी। तभी वह खुशबू को इधर उधर देखने लगता है तो तालाब के किनारे पर ही गन्ने का खेत था, गन्ने के खेत में उसको कुछ हलचल सी दिखाई देती है, तो वह चुपके से जाकर गन्ने के खेत में देखता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो गन्ने के खेत में खुशबू और वह लड़का सुरेश दोनों नग्न अवस्था में होकर संबंध बना रहे थे। तभी क्या होता है, खुशबू के भाई के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वह भाग करके चुपके से जाता है और अपने पिता को बताता है सारी घटना। उसका पिता लाठी लेकर उसके साथ आता है और कहता है मुझे बताओ कहां है। दोस्तों उसके बाद वह भाई अपने पिता को लेकर उस खेत के पास ले आता है और अपनी बहन को रंगे हाथों अपने पिता को पकड़वा देता है। पिता जैसे ही यह हाल देखता है उसके क्रोध की सीमा नहीं रहती है और फिर वह लाठी से उस लड़के सुरेश के ऊपर पिटाई लगाने लगता है। अगर वह भागने की कोशिश करता है तो खुशबू का भाई उसको पकड़ के नीचे ज़मीन पर डाल लेता है और फिर पिता उसके ऊपर लाठियों से वार करता रहता है। दोस्तों यह हंगामा सुनकर के आस पड़ोस के लोग वहाँ से जो गुजर रहे होते हैं वह वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सुरेश को खुशबू के पिता से बचा दिया जाता है। सुरेश लहूलुहान हो चुका था और फिर यहाँ पर खुशबू का जो पिता होता है खुशबू को मारते हुए अपने घर ले जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, सुरेश को लोग उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर कहता है कि इसकी मृत्यु रास्ते में ही हो चुकी है। दोस्तों जो सुरेश के घर वाले होते हैं वे सीधा आरोप खुशबू के पिता, खुशबू और खुशबू के भाई के ऊपर लगा देते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और खुशबू के पिता और खुशबू के भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटे से सुख के कारण, एक क्षणिक सुख के कारण अपने परिवार को खुशबू ने तबाह कर दिया और सुरेश की यहाँ पर जान चली गई। सुरेश को भी ये छोटा सा सुख चाहिए था, उसकी जान गंवानी पड़ी इसके लिए उसको, और जो खुशबू थी उसको अपने दोनों भाई और पिता, खुशबू के भाई और पिता को जेल जाना पड़ा, अब वह पूरी ज़िंदगी जेल में ही गुजारेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर छोटी सी गलती की भी समाज के अंदर गुंजाइश कभी कभी नहीं होती है। अपने आप को संभाल कर चलें, कभी भी ऐसी वैसी गलती ना करें जिससे आपके परिवार पर बनाए और आपके परिवार के लोगों के ऊपर जान की आफत बन जाए या फिर आपकी जान के ऊपर आफत बन जाए। यहाँ पर सुरेश ने भी गलती की, खुशबू ने भी गलती की और सबसे बड़ी गलती खुशबू के पिता और भाई ने की, उन दोनों ने भी यहाँ पर गलती की, एक इंसान को जान से मार डाला। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या खुशबू के पिता ने सही फैसला लिया था या फिर इसका कोई दूसरा भी रास्ता हो सकता था? क्या खुशबू के भाई ने सही किया था, उसको देख करके अपने पिता को बुलाने घर चला गया, या फिर यहाँ पे खुशबू ने सही किया या फिर यहाँ पे सुरेश ने सही किया? किसने सही किया, किसने गलत किया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।